गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज आपको वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ फिर से मिलने वाली है। इसमें आप देखेंगे 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में देखे जाएंगे। आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी है, शुरू से लास्ट तक देखनी है, ताकि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि आज के टाइम पर करंट अफेयर्स के वेटेज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए करंट अफेयर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हु इज द न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर 2019-20। तो इसका आंसर है बी, मधुकर कामनाथ। मधुकर कामनाथ जी की फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यही अभी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिंगर हैज वॉन द मैग्निफिशेंट प्रोग्रामिंग आर्ट्स अवार्ड एट 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स इन लंदन। तो इसका आंसर है डी, सोनू निगम। सोनू निगम ही ये अवार्ड अभी उनको मिला है। इसमें जो आर्ट्स में या अवार्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये अवार्ड मिला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई बूट बुक सिस्टम हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच सिटी। इसका आंसर है सी, चंडीगढ़। और इसको लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स अमित शाह जी ने। इसमें क्या होता है, आपको और पुलिस को भी ये ऐप प्रोवाइड होगी, इसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा। हाँ, सारे अपराधियों का रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने क्या क्या क्राइम किया है, कब कब किया है, ए टू जेड सब डिटेल होगी, किस किस जगह पे दारू के ठेके हैं, कहाँ पे ड्रग्स बिकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कोई भी उसको समझ सकता है, देख सकता है उसके थ्रू। आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको थाना जाके प्रॉब्लम नहीं होगी कि वहाँ पे जाके आपको एफआईआर लिखानी है। आप यहाँ से भी कोई रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं एक ही क्लिक में, बस आपको ऐप इंस्टॉल करनी है और इस पे अपनी कंप्लेंट रखनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम लीचिस टू स्लग ग्लू 25 एक्सप्लोसिव आइडियाज दैट मेड मॉडर्न मेडिसिन। इसका आंसर है डी, रूपा पाई। इस बुक में 25 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें बताया गया वैक्सीनेशन के बारे में, एक्सरेस के बारे में, जम्प्स की थ्योरी क्या होती हैं। इसमें मॉडर्न मेडिसिन को और ही अप्रिशिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट द राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेट एंड राइट टू प्राइवेसी। तो इसका आंसर है सी, केरला। केरला में एक स्टूडेंट ने ये पिटीशन फाइल करी थी। इसमें उन्होंने, क्योंकि उनके कॉलेज ने फोन मोबाइल यूज पे, इंटरनेट यूज पे बैन लगा दिया था, तो उस स्टूडेंट ने ये पिटीशन फाइल करी कि हमारे राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो कोर्ट ने अब इसको मान्यता दे दी है कि आप कोई भी फोन और इंटरनेट पे बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत से लोग फोन के थ्रू पढ़ाई भी करते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द CEBI कमेटी टू सजेस्ट नॉर्म्स फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर है बी, ईशांत हुसैन। SEBI की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज कंडक्टेड रेयर एक्सरसाइज चंग थंग परहार इन ईस्टर्न लद्दाख। इसका आंसर है डी, इंडियन आर्मी। ये जो ट्रेनिंग है ये क्यों करी गई है, ये एक्सरसाइज क्यों करी गई, ये इसलिए करी गई है ताकि हमारी जो फाइटिंग करने की क्षमता है और इम्प्रूव कर सकें, और ये करवा कर इसको और इम्प्रूव करने के लिए चाइना भी इसमें मदद कर रहा है, ताकि हमारी फाइटिंग करने की और ताकत और स्किल्स डेवलप हो सकें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स। तो इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है
कि कोई भी डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो प्राइवेटली अपनी डॉक्टरिंग का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी को और इंक्रीज करने के लिए वो एक क्लिनिक भी खोल के रखते हैं, जिससे वहाँ से भी सैलरी लेते हैं, वहाँ से भी इनकम लेते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू भी इनकम लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। Who recently created history by winning a silver medal in the World Boxing Championship 2019? तो इसका आंसर है अमित पंगल। उन्होंने 52 केजी कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल जीता है और इससे पहले इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन, विच सीरीज अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव रिसेंटली वॉन आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड इन इमियस दिस ईयर? इसका आंसर है डी, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये तो मैंने भी देखी थी। विच फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2019 एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री? तो इसका आंसर है गली बॉय पहला, यानी ए। और ये अवार्ड कब दिया जाएगा, नॉमिनेट कब होगी ये होगी फरवरी 2020 में, और इसको डायरेक्ट किसने किया है, जोया अख्तर ने, जिसमें रणबीर सिंह और आलिया भट्ट मेन कैरेक्टर थे इस फिल्म में। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोविंग ट्रेवल जियांट कोलैप्स रिसेंटली ड्यू टू बैंकरप्सी, बैंकरप्ट हो चुके हैं? उसका आंसर है डी, थॉमस कुक। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोविंग रेसलर्स पुल्ड आउट ऑफ हिज टाइटल बाउट ड्यू टू इंजरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019? तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है बी, दीपक पुनिया, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये दीपक पुनिया जी जो कि अभी इंजरी की वजह से वहां से चले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज आईडी कार्ड? तो इसका आंसर है ए, अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको आईडी कार्ड को अप्रूव किया है। उन्होंने इसका आइडिया दिया था कि एक आईडी कार्ड से ही काम हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे आधार कार्ड बहुत सारे ऐसे हो गए हैं हमारे प्रूफ्स, जिनके थ्रू कहीं आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाती है, कहीं आपको वोटर आईडी की जरूरत पड़ जाती है, कहीं आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो एक ऐसा कॉमन आईडी कार्ड बनेगा कहीं भी आपको प्रूफ के लिए, अगर वो बन गया तो आप एक प्योर एक कह सकते हैं कि आप उसके थ्रू आप कहीं भी उसको अप्लाई कर देंगे, तो उसके अलावा किसी चीज़ की आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द हुडी मोदी इवेंट वेर इन पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयर द स्टेज टुगेदर? तो इसका आंसर है हस्टंग ए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एवर ईयर? तो इसका आंसर है सी, 3rd September, 23rd September। Who among the following won the Formula One Singapore Grand Prix recently? तो इसका आंसर है ए, सचिन वेटल। अगला क्वेश्चन, the RBI has imposed restriction on the functioning of which among the following cooperative banks? तो इसका आंसर है ए, PMC. PMC कौन सा बैंक है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसमें क्या हो गया है, RBI ने कस्टमर्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, मतलब कस्टमर क्या कह सकते हैं, बैंक के ऊपर ऑटोमेटिक कस्टमर के ऊपर भी चला जाएगा कि कोई भी कस्टमर, चाहे वो करंट अकाउंट चला रहा है, सेविंग अकाउंट चला रहा है, वो 1000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकता 6 मंथ के लिए। हाउ डेयर यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स माई चाइल्डहुड विथ योर एम्प्टी वर्ड्स, हु सेड दिस वर्ड्स? इसका आंसर है डी, ग्रीटा थनबर्ग, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड हाउ मच हाइक इन द पेंशन पेड टू द फैमिलीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डाइंग विद इन 7 years ऑफ सर्विसेज? तो इसका आंसर है सी, 50% पेंशन इंक्रीज कर। PM मोदी ड्यूरिंग हिज स्पीच एट 2019 UN क्लाइमेट समिट अनाउंस दैट इंडिया विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू 175 GW बाय विच ईयर? तो इसका आंसर है बी, 2020।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इशू द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्डन कार्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम? इसका आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 11 लाख कार्ड इशूड हो चुके हैं इस स्टेट में, और ये सबसे ज्यादा इशू हो गए हैं ये कार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एंड हरियाणा विल गो टू पोल्स ऑन विच डेट? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर यानी डी। हु वॉन द फीफा'स बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड 2019 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रिसेंटली? तो लियोन मेसी, ए। लियोन मेसी की फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लियोन मेसी। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बिजनेस स्कूल हैज बीन रैंक्ड अमॉन्ग टॉप 10 फोर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर बिजनेस स्कूल्स 2019? तो इसका आंसर है ISB हैदराबाद, और ये 7th रैंक पे आया है फोर्ब्स की लिस्ट में, और ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग इन मैनेजमेंट में फेमस है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस दैट द डॉक्टर्स एंड नर्सेस नीड नॉट टेक ट्वेल्थ एंड इडलेटिस एग्जाम टू प्रैक्टिस देयर? तो इसका आंसर है बी, UK। When will the BCCI election 2019 be held in India? तो इसका आंसर है सी, 23rd अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, Who among the following was conferred Global Goalkeeper Award? इसका आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। इनको ये क्यों मिला है? इनके स्वच्छ भारत अभियान की मैसिव सक्सेस के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशनड विच अमंग द फ्लोविंग वेजल्स ऑन सेप्टेम्बर 25, 2019? तो इसका आंसर है पहला, वरह। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? इसका आंसर है ए, अमिताभ बच्चन जी। नेशनल यूनिटी अवार्ड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड ऑन हूज नेम? तो इसका आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बोल 3 मेडल्स इन T20s? तो इसका आंसर है सी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा की फोटो आपको दिख रही होगी, यही है दीप्ति शर्मा जी, जिन्होंने 3 मेडल्स बॉल कर रही हैं T20s में। विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज मालाबार 2019? तो इसका आंसर है सी, जापान। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड हाउ मच ग्रांट फॉर द पैसिफिक आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स रिसेंटली? इसका आंसर है सी, 12 मिलियन यूएस डॉलर। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रोजेक्ट नेत्र रिसेंटली टू प्रोटेक्ट स्पेस असेट्स? तो इसका आंसर है बी, इसरो। नेत्रा का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नोट कर लीजिए, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट रन ट्रेन दैट इज स्लेटेड टू रन फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली? तो इसका आंसर है ए, तेजस एक्सप्रेस। और ये कब लॉन्च हो रही है? 4 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टिना जॉर्जिएवा हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है बी, IMF। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये क्रिस्टिना जॉर्जिएवा हैज बिकम द सेकेंड एवर वुमेन टू लीड द IMF। The Delhi University and Geology Survey of India recently discovered a new species of the frog in which state? तो इसका आंसर है A, अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक नए स्पीसीज पाई गई है फॉग की, जिसका नाम है, इन्होंने दिया गया है, नैरो मॉटेड फ्रॉग। नैरो मॉटेड फ्रॉग, मॉटेड यानी MOUTHED, मॉटेड फ्रॉग।
अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट वॉज रिसेंटली अवार्ड विथ IAAF वेटन पिन प्राइज? तो इसका आंसर है पीटी उषा, यानी डी, इंडियाज फॉर्मर एथलीट हैं ये, और इन्होंने 1983 में अर्जुन अवार्ड भी जीता है और 1985 में पद्मश्री अवार्ड भी लिया है और आज इन्हें ये प्राइज भी मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वॉज अवार्डेड द चेंज मेकर अवार्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन सोसाइटी? तो इसका आंसर है सी, पायल जांगीर। पायल जांगीर जी ने जो चाइल्ड मैरिज होते हैं अपने एरिया में उनको स्टॉप करा है, उस पर अपना एफर्ट दिया है, इस वजह से इन्हें ये चेंज में। पैन इज वर्ल्ड मार्टिन डे 2019 ऑब्जर्व? तो इसका आंसर है डी, सेप्टेम्बर 26। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिस्क्रिमिनलाइज बाय अबॉर्शन? तो इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। विच कॉलेज कुड बी होस्टिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया हैकथॉन? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। जो हैकथॉन होगा इसमें, हैकथॉन विल इवॉल्व स्टूडेंट्स ऑफ बोथ इंडिया एंड सिंगापुर विल वर्क इन कोलैबोरेशन टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू सम ऑफ द मेजर सोसाइटी प्रॉब्लम्स। इसमें सिंगापुर के स्टूडेंट्स और इंडिया के स्टूडेंट्स कोलैबोरेट होके एक मीटिंग होगी जिसमें मेजर इश्यूज पे बात होगी, उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा सोसाइटी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली हैज लॉन्च विच एमरजेंसी नंबर फॉर पुलिस फायर एंड एम्बुलेंस एमरजेंसी सर्विसेज? एक कॉमन नंबर जो हायर किया गया है वो है 112। 112 पे आप पुलिस को, एम्बुलेंस को, फायर एग्जिस्टेंस, किसी को भी बुला सकते हैं, ये कॉमन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कीपर विराट कोहली नाउ हैज अ टोटल ऑफ हाउ डिमेरिट पॉइंट्स? द आंसर इज ए, 3। अगला, विच टू स्टेट्स हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ पैनल टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग इश्यूज? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019? तो इसका आंसर है बी, 44। 2018 में इंडिया की रैंक 48 थी और 2019 में अब 44, जो कि 4 इम्प्रूव हो चुकी है। और ये पोजीशन इम्प्रूव क्यों हुई है, क्योंकि इंडिया बहुत ही डिजिटलाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उस वजह से ये ऐसा हुआ है, 4 रैंक और अप हो गई है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन टॉप्ड द IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2019? किसने टॉप किया है, वो है डी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये टॉप पे हैं इस रैंक में। और सेकेंड में कौन है, सिंगापुर। थर्ड में कौन है, डेनमार्क। फोर्थ पे कौन है, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द युंगा? इसका आंसर है ताइवान। अगला क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली? तिजानी मोहम्मद बेंदे, यानी ए। इनकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यही है UN जनरल असेंबली के करंट प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड इट्स 15th फॉर्मेशन डे रिसेंटली? इसका आंसर है ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसकी थीम क्या थी, फायर सेफ्टी। नोट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आती है, इसकी थीम क्या थी, फायर सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, When is the World Tourism Day observed globally every year? 27th September. C. अगला क्वेश्चन, Which High Court recently launched mobile app for providing digital access to lawyers? इसका आंसर है D, Delhi High Court. इसमें क्या होगा, ये ऐप प्रोवाइड करेगी, सारे केसेस इसमें होंगे, केस की लिस्ट होगी, क्या क्या कारण की वजह से केस आया है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ इसमें होगा। इंडिया बहुत ही डिजिटलाइज हो जा रहा है, इसी वजह से 48 से 44 रैंक आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू गिव ऑनलाइन टूरिस्ट वीजा फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर है सी, साउथ अरेबिया।
Next question. The 5th India International Social Festival is scheduled to be held in which city? तो इसका आंसर है डी, कोलकाता. कोलकाता में ये जो फेस्टिवल होने वाला है, ये रिसर्च पे, इनोवेशन पे, साइंस पे, एम्पावरमेंट ऑफ द नेशंस पे होने वाला है 5th to 8th November को. तो अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज बिकेन एन एथलीट मेंबर ऑफ टीम वीजा फॉर द ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020? तो इसका आंसर है सी, पीवी सिंधु. जो पीवी सिंधु हैं वो पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं और इन्होंने हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीता है और ये एम्बेसडर 2 साल के लिए बनी है. अगला क्वेश्चन, वेनु माधव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द नोटेड एक्टर ऑफ विच रीजनल सिनेमा? इसका आंसर है बी, तेलुगु. और इन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में कम से कम 170 मूवी दी हैं, कम से कम 170. अगला क्वेश्चन है, JNU हैज साइंड पैक्ट विद विच IIT फॉर रिसर्च, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर है सी, IIT दिल्ली. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पे भी हमें फॉलो कीजिए, Instagram पे भी हमें फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.